बाबा ब्रदर्स, G7 बाबा दीप कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के सामने सियागंज इंदौर। आला आर्ट ज्वेलरी, चांदी के दाम, सोने का काम। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर 6 MG रोड इंदौर, ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, वन बैंक कॉलोनी अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड इंदौर, हाई लिंक टाउन में, एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड इंदौर। रिकॉर्ड के चक्कर में छात्र की जान पर बनी, बर्फ की कॉफिन में 70 मिनट रहने का बनाना चाहता था रिकॉर्ड, 50 मिनट में हालत बिगड़ी। वहीं छात्र के पिता ने डंबल्स उठाने का रिकॉर्ड बनाने में पाई सफलता। फूटीकोटी रोड पर डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर मौत, लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर किया आग लगाने का प्रयास। प्रशासन ने मारा बर्फ बनाने की यूनिट पर छापा, गंदे पानी व कायुक्त कंटेनर का किया जा रहा था उपयोग, आइसक्रीम पार्लर्स पर भी दी दबिश, लिए सैंपल। विश्व में हर साल 17.3 मिलियन लोग होते हैं हाइपरटेंशन का शिकार, विश्व हाइपरटेंशन डे पर डॉक्टरों से बीमारी से बचने के लिए दी जंक फूड व धूम्रपान से परहेज के साथ ही नियमित व्यायाम की सलाह। और फिर हुआ एटीएम तोड़ने का प्रयास, 3 घंटे तक चोर रहा अंदर, सीसीटीवी में हुआ कैद। कुछ अलग करने का जुनून कभी कभी खतरनाक भी साबित हो जाता है और ऐसा करने से कभी कभी जान पर भी बनाती है। गुरुवार को कुछ ऐसा ही हुआ 19 वर्षीय अंकुर सिंह के साथ। कुछ अलग करने और रिकॉर्ड बनाने की चाहत में अंकुर 1 घंटा 10 मिनट तक आइस कॉफिन में रहकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता था, लेकिन 50 मिनट बाद ही अंकुर की हालत बिगड़ने पर उसे कॉफिन से निकाल लिया गया। अगर वह कुछ मिनट और कॉफिन में रह जाता तो शायद बहुत देर हो जाती। भीड़ से हटकर खुद को साबित करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, कोई बालों से ट्रक खींचता है तो कोई ट्यूबलाइट खा लेता है। इसके अलावा भी देश और दुनिया में लोग ना जाने कैसे कैसे प्रयोग कुछ नया और अनूठा करने के लिए करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही करने और रिकॉर्ड बनाने की चाहत में गुरुवार को 19 वर्षीय अंकुर सिंह ने एक प्रयास किया। अंकुर इस बर्फ से भरे कॉफिन में 1 घंटा 10 मिनट रहकर रिकॉर्ड बनाना चाहता था। कॉफिन में जाने के पहले अंकुर से हुई बातचीत में अंकुर ने अपने इरादों और अभ्यास के बारे में बताते हुए कहा कि वह पिछले 2-3 महीनों से लॉन्गेस्ट स्टे इन आइस बाथ का अभ्यास कर रहा है और वह ये रिकॉर्ड बना लेगा। आज लॉन्गेस्ट इन आइस बाथ का रिकॉर्ड बना रहा है 1 घंटा 10 मिनट का, 1 घंटा 10 मिनट का रिकॉर्ड है जिसमें अपन 100 किलो से ज्यादा अपन बर्फ यूज करेंगे। अभी आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कांच के एक बीकर में अपन ने बर्फ और पानी का एक मिक्सर बना रखा है, उसमें अपने का भी 1 घंटा 10 मिनट का स्पेंड करना टाइम। प्रैक्टिस 2-3 महीने चल रही है, 50 मिनट की प्रैक्टिस करी है, 50 मिनट की प्रैक्टिस करी गई है इसमें भी और आज अटेम्प्ट करना है इसको। गौरतलब है कि इससे पहले अंकुर इसी साल 2 जनवरी को 2.25 घंटे तक बर्फ के ताबूत में कैद रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। नए रिकॉर्ड के लिए ठीक 11 बजे अंकुर ने कॉफिन में प्रवेश किया। अंकुर की इस उपलब्धि को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उसके माता पिता, दोस्त, परिवार के सदस्यों, डॉक्टर के अलावा मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। 11 बजे से लेकर 11:50 तक अंकुर कॉफिन में बैठा रहा, लेकिन फिर उसकी हालत बिगड़ने लगी। 11:50 पर डॉक्टर रौनक गुप्ता ने उससे चर्चा की तो उन्हें यह महसूस हुआ कि अब अगर और देर हुई तो अंकुर की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की सलाह पर अंकुर को तुरंत कॉफिन से निकाल लिया गया।
52 मिनट बाद कॉफिन से निकाले गए अंकुर का बदन ठंड से पूरी तरह अकड़ चुका था और वह कुछ बोल पाने और समझ पाने की स्थिति में नहीं था। कॉफिन से निकालते ही अंकुर को तुरंत उपचार स्वरूप तेल मालिश की गई, कंबल रजाई से उसे ढांका गया, हीटर से उसे गर्मी देने की कोशिश की गई, फिर डॉक्टर रौनक गुप्ता की देखरेख में उसका उपचार शुरू हुआ। अंकुर का उपचार कर रहे डॉक्टर ने बताया कि 52 मिनट तक बर्फ में रहने से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया था, उसमें सोचने समझने और बोलने की क्षमता नहीं बची थी और थोड़ी देर हो जाती तो खतरा बढ़ सकता था या वह 1 घंटे 10 मिनट तक कॉफिन में रह जाता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। स्ट्रगल है जब उसको ये हुआ था कि उसको हाइपोपरफ्यूजन हुआ, सर्वल हाइपोपरफ्यूजन हुआ था, ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ था, उसके कारण से उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई थी। उसको अभी ये समझने की उसको कब निकाला है क्या निकाला है उसका ये भी नहीं पता कि उसने रिकॉर्ड बनाया कि नहीं बनाया है। सर्वल हाइपोपरफ्यूजन हुआ है, ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन कम हुआ है, अभी खतरनाक ही खतरा है तो डेफिनेटली खतरा लाइफ के लिए खतरा हो जाता। कितने मिनट बताए हैं? तो देखा आपने कि रिकॉर्ड बनाने और कुछ अलग कर गुजरने की चाहत कितनी महंगी साबित हो सकती है। बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप भी रिकॉर्ड बनाने की चाहत में कुछ अलग करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। कुछ अलग करने और रिकॉर्ड बनाने की चाहत में गुरुवार को पिता और पुत्र दोनों ने कोशिश की, जिसमें पिता ने बाजी मारते हुए 19 किलो वजनी दो डंबल को 1 मिनट में 54 बार उठाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का दावा पुख्ता किया। विद्युत मंडल में कार्यपालन यंत्री के पद पर कार्यरत 52 वर्षीय सुमन सिंह अपने बेटे अंकुर सिंह के साथ रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, जिसके लिए पिता पुत्र दोनों ने प्रयास किया। हालांकि अंकुर सिंह रिकॉर्ड बनाने में असफल हो गए, लेकिन पिता के हौसले बुलंद रहे। सुमन सिंह के मुताबिक पहले वो 19 किलो वजन के दो डंबलों को 1 मिनट में 47 बार उठा चुके हैं, जिसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और अब वह इन्हीं डंबल्स को 47 से ज़्यादा बार उठाकर खुद का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे। हम दोनों साथ साथ ही एक्ट कर रहे हैं और दोनों बल रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आज 2 डंबल उठाऊंगा अपने हाथ में, एक का वजन 9.5 किलो है, दूसरे का भी 9.5 किलो है, टोटल मिला के 19 किलो उनका वजन है और 1 मिनट तक मुझे टारगेट मिला कि 45 क्रॉस करना है। इसके पहले भी मैंने एक और प्रयास किया था और जिसके कारण मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है और 15 तारीख को ही कन्फर्म हुआ है। मैंने सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय कन्फर्म नहीं था, लेकिन रात को मैंने नेट खोल कर देखा तो कन्फर्म हो चुका था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, लेकिन उसमें मैंने 47 बार करके उनको भेजी थी वीडियो और वह एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं आज 47 क्रॉस करूं। इसके बाद हुई सुमन सिंह के रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत। सुमन सिंह ने 1 मिनट में 54 बार डंबल उठाकर खुशी जाहिर की। उनकी इस उपलब्धि पर लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। अब सुमन सिंह अपने द्वारा किए इस कारनामे का वीडियो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजकर बुक में अपना नाम दर्ज कराने का दावा ठोकेंगे। फूटी कोठी के नजदीक डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उधर गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर दी और डंपर में आग लगाने का प्रयास किया। डंपर में तो लोग आग नहीं लगा पाए, मगर इस दौरान किसी शरारती तत्व ने बाइक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में कर डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फूटी कोठी के नजदीक डंपर क्रमांक MP09GF4514 ने बाइक सवार जगदीश पाटीदार को टक्कर मार दी। जगदीश को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मृतक जगदीश पेशे से ड्राइवर था और स्टार कैब चलाता था। किसी काम से बाइक से जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर आग लगाने का प्रयास किया, वहीं बाइक में भी आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में कर भीड़ को खदेड़ा और डंपर को जब्त कर डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया। बाइक और डंपर के बीच एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो बाइक सवार हैं वो घायल हो गए, उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इससे पहले पुलिस आने के पूर्व यहाँ के जो भीड़ हमारा तत्व थे और सार्वजनिक तत्व थे, उन्होंने मोटरसाइकिल और उसमें आग लगाने का प्रयास किया,
और तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आग बुझवाई गई और घायलों को। उधर डंपर चालक ने अपने आप को निर्दोष बताया। डंपर चालक भंवर सिंह का कहना था कि वो डीजल भरवाने पंप पर जा रहा था, बाइक सवार डंपर के पिछले पहिए में आ घुसा। गलती मैंने कुछ भी नहीं, इसमें पीछे से आगे घुस गया, मेरे को थोड़ी पता कि पीछे से आगे घुस गया और ड्राइवर को जानबूझ के थोड़ी मारेंगे सर। बहरहाल शहरी क्षेत्र में हुई दुर्घटना ने फिर एक युवक की जान ले ली और एक परिवार को मुश्किल में डाल दिया। सवाल यह उठता है कि दिन के समय भीड़भाड़ वाले इलाके में भारवाहक वाहनों का आना जाना आखिर होता कैसे है? गुरुवार को जिला प्रशासन व खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए आइसक्रीम व बर्फ के सैंपल लिए। छापामार कार्रवाई के दौरान तीन अलग अलग जगहों पर एसडीएम सराफा की अगुवाई में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग को बर्फ फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर गंदगी मिली। गर्मियों में आइसक्रीम और बर्फ का धंधा परवान पर रहता है। व्यापारी भी धड़ल्ले से माल बेचते हुए जमकर अनियमितताएं कर रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर गौर करते हुए जिला प्रशासन ने नंदलालपुरा में आइसक्रीम पार्लर सहित बियाबानी में बर्फ के कारखाने पर दबिश दी। विभाग को बियाबानी की कार्रवाई में भारी अनियमितताएं मिली। बताया जा रहा है कि कारखाने के मालिक द्वारा गंदे पानी व काई युक्त कंटेनर का उपयोग करते हुए बर्फ जमाई जा रही थी। वहीं आइसक्रीम बनाने की जगह भी विभाग ने छापा मारा। विभाग ने यहाँ से सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भोपाल भेजे हैं। इसका उद्देश्य गर्मी में जो बर्फ पानी वगैरह आइसक्रीम यूज़ किए जाते हैं उसकी जांच की जा रही है कि वो खाने योग्य हैं या नहीं। नहीं अभी तो इस तरह से कुछ नहीं मिली है, सैंपल लिए गए हैं, जब जांच होगी तो आगे पता चलेगा। कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विश्व में हर साल 17.3 मिलियन जिंदगी हाइपरटेंशन का शिकार हो रही है। खासतौर पर बच्चों और अन्य वर्ग के लोगों का जंक फूड पर निर्भर होना भी इस गंभीर बीमारी को बुलावा देना है। क्या कहना है डॉक्टरों का इस बारे में, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हाइपरटेंशन समय से पहले मौत का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। भागदौड़ की जिंदगी में लोग खानपान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिससे रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों से भारत में 33% पुरुष और 30% महिलाएं हर साल प्रभावित हो रही हैं। रूटीन लाइफ में बढ़ती निष्क्रियता, युवाओं में बढ़ता धूम्रपान सेवन, बाजारों में जंक फूड का अधिक मात्रा में सेवन करना हाइपरटेंशन के साथ दिल की बीमारी को भी बुलावा दे रहा है। ब्लड में सोडियम की बढ़ती मात्रा से भी रक्तचाप बढ़ता है, जिससे दिन ब दिन लोग उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से परेशान तो हो ही रहे हैं, साथ ही हृदय रोग को बढ़ावा भी दे रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टरों से क्या कहना है उनका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर लोगों से। ये ज़्यादा करके कारण तो एक तो ये है कि जैसे मैं बताऊँ, लाइफस्टाइल चेंज होना। यूजुअली आजकल कुछ लोग, बहुत सारे जो यंगर एज ग्रुप के लोग हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। रात तक जगना और सुबह देर तक सोना, एक्सरसाइज बराबर नहीं करना, खाने में ज़्यादा करके मोस्टली जो यंगर जनरेशन है या इवन बड़े लोग भी ज़्यादा करके बाहर का खाना, और स्पेशली जो जंक फूड होता है, जो बहुत जल्दी सो कॉल्ड फास्ट फूड जो होता है, उसमें काफ़ी सारी सोडियम की, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें फैट्स भी बहुत सारे रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, नमक की ज़्यादा मात्रा और फैट्स की ज़्यादा मात्रा के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना काफ़ी स्वाभाविक है, और उसके साथ में अगर इंसान, मनुष्य जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बराबर से सो नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे दिमाग को, शरीर को रेस्ट की ज़रूरत रहती है, तो बराबर टाइम पे सोएं, एक्सरसाइज करें और खाने पीने में कंट्रोल रखें। महिलाओं में भी खासतौर से हाइपरटेंशन बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसका भी मुख्य कारण डेली रूटीन लाइफ में एकदम से बदलाव लाना है, जिसके चलते चक्कर आना, पसीना आना और आंखों के आगे धुंधला दिखना जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं।
देखिए आजकल देखा गया है कि यंग लड़कियों में, वर्किंग लेडीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा पा रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होने लगे हैं, वर्किंग होने लगे हैं, लोग बाग खान पान पर ध्यान नहीं रहते, एक्सरसाइज रूटीन पर ध्यान नहीं रहते और बाहर का जंक फूड खाना आदि से उनका, और इतना टेंशन उनका वर्क प्रेशर है कि ब्लड प्रेशर जो पहले अपन लेट स्टेजेस में देखते हैं आजकल जल्दी ही पाया जाने लगा है। तो मेरी यंग लेडीज से तो ये एडवाइस है कि भले ही चाहे जितने भी वो बिजी रहें अपना अपने लिए खुद समय निकालें, जैसे एक्सरसाइजेस करें, योग करें, वॉक करें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, बाहर का खाना ना खा के अपने घर के खाने पे ज़्यादा ध्यान दें और इस तरह से वो अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकती हैं। सेहतमंद खानपान अपनाने के साथ ही धूम्रपान छोड़ना, साथ ही रेगुलर शारीरिक मेहनत करने से हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। रीगल सिनेमा मामले में निगम ने जजमेंट की कॉपी हाथ आते ही गुरुवार को कैविएट दायर कर दी। निगम इस पूरे मामले पर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना चाहता है। गौरतलब है कि 4 साल पहले जिस तरह रीगल सिनेमा की लीज निरस्त करते हुए निगम ने कब्जा लेने की असफल कोशिश की थी, अब निगम उसे दोहराना नहीं चाहता। पिछली बार हुई गलतियों से सबक सीखते हुए निगम ने इस पूरे मामले पर कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसका परिणाम यह रहा कि फैसला निगम के पक्ष में आया। निगम कमिश्नर योगेंद्र शर्मा ने गुरुवार को चर्चा में बताया कि निगम रीगल सिनेमा का कब्जा लेने के लिए सावधानी पूर्वक निर्णय ले रहा है। मामले पर विपक्षी पार्टी को एक तरफा स्टे ना मिले इसके लिए गुरुवार को नगर निगम ने कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दी है। इसके साथ ही अब सभी बिंदुओं पर विधिक राय ले रहे हैं ताकि कोई त्रुटि ना हो। इसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में प्रकरण गतिशील था और उसमें निगम ने इस बार अपना पक्ष काफ़ी मजबूती से रखा। उसका परिणाम ये निकला कि जो फैसला हुआ है वो निगम के पक्ष में हुआ है और उसमें लीज का जो रिन्यूअल तथा कथित है उसको गलत ठहराया गया है और उसको मानते हुए कोई अधिकार उसके ऊपर पक्षकार का नहीं बताया गया है और निगम के फेवर में निर्णय दिया गया है। और जहाँ तक उसका कब्जा लेने का प्रश्न है, उसमें हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक चल रहे हैं जिससे कोई भी विधिक त्रुटि हमसे किसी भी प्रकार की ना हो और जिसका फायदा विपक्षी पार्टी को मिल सके। बहरहाल अभी भी मामला कोर्ट में है, इसलिए निगम अभी सिनेमा गृह को गिराने और कब्जा लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। गुरुवार को किला मैदान जोन स्थित नाले पर से अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम रिमूवल टीम ने तहसीलदार की मौजूदगी में नाले के आसपास अवरोध पैदा कर रहे गाय भैंसों के तबेले को हटाया। गुरुवार को किला मैदान स्थित नाले पर हुए अतिक्रमण को नगर निगम की रिमूवल टीम ने तहसीलदार पूर्णिमा सिंघवी की मौजूदगी में हटवाया। अधिकारी का कहना था कि पप्पू वर्मा नाम के युवक ने नाले के पास करीब 2000 वर्ग फीट पर कब्जा कर रखा था, जिससे नाले का चौड़ीकरण और साफ सफाई करने में खासी दिक्कतें आ रही थी। जा रहा है नाला जो शंकरगंज की तरफ आता है, यहाँ 2-3 लोगों द्वारा चतर का सेट बना के उसमें गाय ढोरों का पालन करते थे। उसमें लगभग 2000 स्क्वायर फीट जगह अपने पूर्णिमा सिंह तहसीलदार मैडम के साथ में रहते और ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। रिमूवल टीम ने तबेलों को हटा दिया है और साथ ही तबेले के मालिक ने रिमूवल टीम की मदद की, जिससे नाले की साफ सफाई और चौड़ीकरण आसानी से हो सके। नालों से हर साल हजारों किलो गाद निकालने के बाद भी निचली बस्तियों में पानी भर जाता है और इसी समस्या को दूर करने की कोशिश करते नजर आए शहर के महापौर। गाद निकालने के काम की महापौर ने गुरुवार को निचली बस्तियों में दौरा कर स्थिति जानी। बारिश के दौरान शहर के नालों में पानी का उफान आम हो चुका है, कारण कुछ और नहीं नालों में जमी गाद है। हालांकि नगर निगम की टीम हर साल इसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बारिश के महीने छोड़ बाकी समय में गाद बड़ी मात्रा में दोबारा इकट्ठा हो जाती है और इसी के चलते हर बार झुग्गी बस्तियों में जल जमाव की स्थिति बनती है। निगम ने इस बार निरंजनपुर और कबीरखेड़ी के पास से गाद हटाने का काम शुरू किया। गुरुवार को महापौर ने काम की प्रगति को देखा। बस्तियों में पहुंचे महापौर से जब सवाल किया गया कि महज 3 दिनों की बारिश में ही हालात बेकाबू से नजर आए तो ऐसे में भला आगे निगम से क्या उम्मीद की जा सकती है, तो उन्होंने इसे परीक्षण व जांच जैसे शब्दों में उलझा दिया। ऐसा है कि बीच में जो बारिश हुई और उसमें कुछ जगह पर जो पानी आया और पिछले बार भी हमने उसका पूरा निरीक्षण किया था और उसके ऊपर ड्राइंग डिजाइनिंग बना ली थी और 6 जगह हमने अभी वो पानी न भरे इसलिए स्टॉर्म वाटर के प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनके टेंडर हो गए हैं और मैं समझता हूँ शीघ्र उसके ऊपर काम प्रारंभ हो जाएगा और बरसात में वो समस्या ना आए, ये हमारा पूरा प्लान है। गौरतलब है कि शहर भर में करीब 43 छोटे बड़े नाले हैं जिनमें टनों से गाद मौजूद है और यही गाद जल भराव की स्थिति पैदा करती है।
बुधवार रात चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक के एक एटीएम को निशाना बनाया। एटीएम में तोड़फोड़ करते हुए चोरों ने एटीएम के बैंक पासवर्ड को भी बदल दिया। चोर एटीएम से कितने रुपए ले गए फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। मामले में बैंक प्रबंधन की गलती भी सामने आई है क्योंकि एटीएम में कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। चोर अब शहर में लगातार एटीएम को अपना निशाना बना रहे हैं। बुधवार रात चोरों ने मरीमाता चौराहे के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। चोरों ने एटीएम मशीन के उस हिस्से को खोलने की कोशिश की जिसमें रुपए होते हैं। चोरों ने यहां तोड़फोड़ भी की। घटना की खबर सुबह बैंक प्रबंधन को लगी। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से लगे हुए एटीएम से चोर कितना माल ले गए ये साफ नहीं हो पाया क्योंकि चोरों ने एटीएम के बैंक पासवर्ड से भी शायद छेड़छाड़ की है। इसी वजह से सुबह बैंक के अधिकारी रुपए वाला हिस्सा नहीं खोल पाए। जिसे सुबह देखा गया सब एटीएम अटेम्प्ट किया गया है, कैश को लूटने का उनका मकसद हो सकता है। बाकी अभी कैश की बिन वगैरह भी खुल नहीं पाई है, कुछ उन्होंने प्रयास किया है, लॉक वगैरह भी नहीं खुला हुआ है। तो अपने वेंडर्स को बुलाया है हम लोगों ने, तो उसके बाद पोजीशन पता चलेगी कि एक्चुअल कैश लूटिंग हुई है नहीं हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे। सीएसपी देवेंद्र सिंह राजपूत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जांच जारी है। अभी जो मशीन है उस मशीन को खोल के चेक करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जाम हो गई है। तो उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है बैंक की तरफ से, उसके खुलने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि उसमें जो कैश था वो कितना बचा है कितना नहीं। जो भी घटनाएं पहले हुई हैं उन सभी घटनाओं के आधार पर और जिस तरह के जो लोग इस तरह की वारदातों में संलिप्त रहते हैं उन सारे लोगों की तलाश की जाएगी, उसके आधार पर हम लोग। एटीएम में हुई घटना में बैंक प्रबंधन की गलती भी सामने आई है। बैंक या एटीएम में कोई सुरक्षा गार्ड ही तैनात नहीं रहते हैं। मामले में फिलहाल जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भाभी पर गंदी निगाह रखने वाले युवक को उसके भाई ने मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे भाई को पुलिस ने भाई के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र का है। यहां रहने वाले राजू बैरवा की मंगलवार को एमवाई अस्पताल में मौत हो गई थी। दरअसल राजू को उसके छोटे भाई संजय ने मोगरी से मार कर घायल कर दिया था। परिवार के लोगों ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन जब पुलिस ने जाँच की तो मामला हत्या का निकला। शुरुआत में ये बात बताई गई थी कि उसको गिरने से चोट आई है, इससे उसकी मृत्यु हुई। इस बात पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया था। जांच के दौरान ये साक्ष्य प्राप्त हुए कि उसने अपने भाई की हत्या की है, तो उस पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर हिरासत में लिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक राजू आरोपी भाई संजय की बीवी पर बुरी निगाह रखता था। उसने कई बार संजय की पत्नी से छेड़छाड़ की कोशिश भी की। इसी बात पर संजय अपने भाई से खफा था। घटना वाले दिन जब संजय घर पहुंचा तो राजू उसकी पत्नी को गाली दे रहा था। इसी बात पर संजय आपा खो बैठा और उसने भाई पर हमला कर दिया था। हाँ, वो गाली पत्ता करने लग गया, मेरी मिसेज को मेरे को भी मारने लग गया। हाँ, मेरी राजी मोगरी की मार दी और उसकी गिर गया। मृतक राजू के बारे में जानकारी सामने आई है कि उसने 16 साल पहले अपने पिता राम नारायण की हत्या कर दी थी। मामले में परिवार के लोगों ने गवाही नहीं दी थी जिसके कारण वह जेल से छूट गया था। देश के पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों से जुड़ी विद्युत केंद्रीय संस्थाओं की दो दिनी महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में गुरुवार से शुरू हुई। बैठक के शुरुआती दौर में पश्चिमी राज्यों से अंतर संबंधित ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
18 मई तक चलने वाली बैठक में देश के पश्चिम क्षेत्र के 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। साथ ही प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में पश्चिमी राज्यों से अंतर संबंधित ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। बैठक के पहले दिन मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री उमेश राउत जी और समिति के अन्य राज्यों के सदस्य तथा विद्युत से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। एमपीबी की इस कार्यशैली के दूसरे दिन 18 मई को पश्चिम क्षेत्र के घटक राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ ही ऊर्जा सचिव मोहम्मद सुलेमान भी शिरकत करेंगे। आबकारी विभाग ने गुरुवार को राऊ क्षेत्र में दबिश देकर 1 लाख से ज्यादा कीमत की कच्ची शराब जब्त की। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 125 लीटर कच्ची शराब, 435 लीटर महुआ जब्त किया है। विभाग ने नियमों के तहत 43 लोगों पर आपराधिक प्रकरण कायम किया। आबकारी विभाग की 3 बड़ी टीमें गुरुवार को छापामार कार्रवाई के लिए राऊ रंगवासा व गाजरखेड़ी पहुंची। विभिन्न टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में कच्ची शराब व महुआ पकड़ा। हमने राऊ रंगवासा और गाडराखेड़ी इन 3 गांव में अनेक स्थानों पर छापा मार के पूरी टीम के साथ, पूरा स्टाफ था एक्साइज का हमारा, और उसके साथ कार्रवाई की तो उसमें 43 केसेस हमें मिले। 43 स्थानों आरोपियों को हमने पकड़ा और सभी महिलाएं थीं और उनको गिरफ्तार किया और जमानती होने से प्रकरण में जमानत दी गई। इस पूरी कार्रवाई में 123 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई। विभाग के मुताबिक जो शराब पकड़ी गई है उसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की है। गौर करने वाली बात ये भी है कि जहां भी कार्रवाई की गई उसमें ज्यादातर महिलाएं ही शामिल पाई गई। प्रशासन की हर मुहिम का असफल हो जाना क्या दर्शाता है, आइए जानते हैं राय सबकी। हटाने की शासन प्रक्रिया करता है, बाद में रोक देता है, इससे तो ये लगता है कि दबाव से कार्य होता है। निरंतर ये कार्य जारी रहना चाहिए, लेकिन ये अगर कार्य जारी नहीं होता है तो प्रशासन का ये कार्य ठीक नहीं, ये इसके पक्ष में नहीं। ये आम जनता को तो इसका अगर फायदा नहीं होने को दर्शाने की कार्रवाई नहीं, एक सिर्फ ये है कि ये शासन जो ये अपने आप को ये कि हम कार्रवाई कर रहे हैं आगे, ये इस टाइप की मुहिम चला रहे हैं, सिर्फ कागज तक नहीं रहता है कि खानापूर्ति सालों में खानापूर्ति जो साल में क्या किया शासन ने उतना ही। शासन देखो रोज रोज तो किसी के पीछे लगा नहीं रहेगा, उसको और भी तो काम है ना। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा वो है कि एक ही चीज़ के लिए सब पूरा अपने क्या बोलते हैं एक ही चीज़ के लिए कि भाई हेलमेट पहनना था आपके साल, हमने बहुत प्रयास किया, हम नहीं पहनता कोई तो स्किल क्या करेगा। हर तरह का पैक दंड भी किए उस वक्त, वो प्रयास भी चलाया, खूब चलाया क्या। अब प्रशासन का काम तो करने का है, समझना नहीं समझना जनता का काम है। प्रशासन जनता का ध्यान भटकाना चाहता है, इसलिए भटकाना चाहता है कि थोड़े दिन एक मुद्दा उठाएंगे, थोड़े दिन दूसरा, थोड़े दिन तीसरा, तो उससे पब्लिक खुद ही इनके पास नहीं आएगी कि ये शिकायत है वो शिकायत है, वो समझेंगे प्रशासन खुद कर रहा है। बाय द टाइम प्रशासन नई एक मुहिम बंद करता है दूसरी शुरू करता है, तब तक 10 में से 8 शिकायतकर्ता गायब हो जाते हैं और राज्य शासन को ये मैसेज जाता है कि इंदौर में प्रशासन अच्छा चल रहा है। बाकी ये सब है शाही लाल फीताशाही वाले, और न तो इनके पहले वाले, न ये, न इनके बाद वाले, कोई भी इस बारे में सीरियस नहीं है। प्रशासन ने दिखाना चाहता है बस कहीं ना कहीं हम मौजूद है, लेकिन सार्थक मौजूद की अपनी वो नहीं दर्शाते। तो ये मुहिम सार्थक है जो वो लगातार चलनी चाहिए जब तक कि उस समस्या का हल ना, तब तो मुहिम सार्थक है। अन्यथा कुछ नहीं, आप 2-3 के लिए करिए फिर बंद करिए, पुराना डब्बा कायम रहे। इंदौर को महानगर का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इंदौर आज महानगर की श्रेणी में आ चुका है। आज हम जितने भी महानगर देखे वहाँ पर जितना भी विकास कार्य हो रहा है वो निरंतर जारी रहता है, लेकिन आज हम हमारे शहर इंदौर में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन कार्य को शुरू करता है और कार्य को बंद कर देता है। इससे विकास कार्य में समय समय पर बाधा उत्पन्न होती है, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम जनता का यह आदेश है प्रशासन को, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर, कि वह विकास कार्य को निरंतर जारी रखे। चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इससे जनता का सुरक्षा भी है और थोड़ी सेफ्टी भी है,
तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं समझता हूँ जनता को भी साथ देना चाहिए, उनको खुद आगे बढ़ के ये चीज़ों को अपने इसमें साथ हम आत्मसात करना चाहिए ताकि इस चीज़ को वो बढ़ा सकें। प्रशासन जो मुहिम चला रहा है, कभी हेलमेट ऑन करने की, कभी बोलता है कि कपड़ा मत लड़कियों के लिए है कि कभी मुझे कपड़ा ना पहने वो लोग, मैं जब कभी बंद कर देते हैं, कभी चौराहे पुलिस वाले हमें देखते हैं कि खड़े हुए हैं चेकिंग कर रहे हैं, तो हम थोड़ी दिन बाद देखते हैं कि मुहिम ख़त्म हो जाती है पूरी तरह, और उसमें हम बस मुँह जैसे बने हुए हैं, थोड़ी देर चलेगा काम उसके ऐसे बंद हो जाता है। प्रशासन जो भी मुहिम चलाए उसे निरंतर जारी रहना चाहिए ताकि जो प्रोसीजर अपन चला रहे जो कार्रवाई तो एकदम उसको बंद कर देते हैं ना, तो वो कार्रवाई रुक जाती है, इससे फिर वो कार्रवाई रुक जाती है तो फिर वापस से ढील ढाल हो जाती है, तो कुछ काम नहीं हो पाते। जो ये सवाल है कि भाई या तो चालू नहीं करे, तो चालू करे तो उसको लगातार चलाते रहे ना, तो मतलब जनता के लिए भी अच्छा है और उनके खुद के लिए भी अच्छा रहेगा। और कुछ देर चलाते हैं और फिर टाटा फिर करते तो फिर जनता भी रहेगी वही पुराना डर रहे वापस आ जाती है, वो हेलमेट या 10 दिन लगा, वो 10 दिन में लोग हेलमेट खरीद लेते हैं, अब वो हेलमेट भी उनने बंद कर दिया, कोई भी और दूसरे भी मूवमेंट करते हैं तो उनको ये चाहिए कि वही उसको लगातार कुछ नहीं तो हर 15 दिन 20 दिन में मतलब उसको मूवमेंट करते रहे, और नहीं तो फिर या तो कुछ करेंगे जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। आइए अब देखते हैं न्यूज़ फास्ट। प्रवर्तन निदेशालय के न्यायिक प्राधिकरण ईडी ने भूमाफिया बॉबी छाबड़ा की जमीन सीज करने की कार्रवाई को सही ठहराया है। प्राधिकरण के इस फैसले के बाद बॉबी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोर्ट में चालान पेश हो सकेगा। निर्णय से बॉबी की भुरांसला स्थित 0.7 हेक्टेयर जमीन ईडी के खाते में चली गई है। इस जमीन को 90 लाख में खरीदे जाने के दस्तावेज भी ईडी के पास है। गौरतलब है कि बॉबी छाबड़ा पर गृह निर्माण संस्था में करोड़ों का भ्रष्टाचार करने व राशि का खुद के लिए उपयोग करने का आरोप है। वहीं विभिन्न मामलों में फंसे बिल्डर चंपू अजमेरा के बयान के लिए भी ईडी अब पुलिस की मदद लेगा। इंदौर बिलासपुर ट्रेन में यात्रा कर रहे जाहिद मलिक ने जीआरपी थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाई है। फरियादी का कहना है कि जबलपुर से भोपाल के बीच ट्रेन से उसका बैग चोरी हो गया। बैग में सोने के जेवरात, कपड़े और 2000 रुपए नगद सहित करीब 2 लाख का माल था। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से ट्रेनों में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। जीआरपी पुलिस ट्रेनों में चोरी की वारदातें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। पारंपरिक शास्त्रीय और आधुनिक रंग जगत से जुड़ी शिक्षा ट्रेनिंग व प्रदर्शन का उद्देश्य लिए भोपाल के मध्य प्रदेश नाट्य भवन का अगला सत्र 15 जुलाई से शुरू होगा। स्कूल में कुल 25 सीटों के लिए चयन होना है। विद्यालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक चयन के लिए इंदौर में 22 से 24 मई तक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। प्लॉट के लिए शहर में विवाद आम बात हो गई है। आज सुबह एक पत्रकार वार्ता में पिपलियाराम निवासी पुष्पा गुर्जर ने उनके पति के दोस्त हंसराज पटेल पर एक प्लॉट को लेकर हमला करने का आरोप लगाया है। पुष्पा का आरोप है कि उनके पति द्वारा हंसराज पटेल से 30 साल पहले एक प्लॉट खरीदा गया था जिसकी उन्होंने सिर्फ नोटरी करवाई थी। अब पुष्पा के पति की मौत के बाद हंसराज प्लॉट पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से उसने पुष्पा के बेटों पर हमला भी किया है। गुरुवार को ब्रेन मास्टर क्लासेस की गीता भवन स्थित ब्रांच पर परीक्षा की तैयारियों के लिए टेस्ट लिए गए। क्लास के डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि एमपीपीएमटी की परीक्षा 10 जून से शुरू होने वाली है। परीक्षा की तैयारी के लिए स्टूडेंट के 25 दिन के अंदर 9 टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे एक साल से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को एग्जाम हॉल का माहौल दिया जा रहा है, जिससे क्लास में आने वाले बच्चे हर बार की तरह अव्वल आ सकें। भारत के नए मेडिकल हब इंदौर में भी अब घुटने के प्रत्यारोपण के लिए अत्याधुनिक नेविगेशन 2.5 सिस्टम उपलब्ध है। विद इन लतगंज में अहमदाबाद और मुंबई को चिकित्सा पर्यटन के नजरिए से देखा जाता था, ये कहना है डॉक्टर सुनील राजन का। डॉक्टर राजन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इंदौर की आबादी तकरीबन 40 लाख है, जिसमें से तकरीबन 16 से 20% लोग गठिया से पीड़ित हैं। डॉक्टर राजन ने बताया कि इंदौर में बेहतर उपचार की सुविधाएं हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में पीड़ित अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों में सर्जरी के लिए जाने का कष्ट उठा रहे हैं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ, नमस्कार। रिकॉर्ड के चक्कर में छात्र की जान पर बनी, बर्फ के कॉफिन में 70 मिनट रहने का बनाना चाहता था रिकॉर्ड, 50 मिनट में हालत बिगड़ी। वहीं छात्र के पिता ने डंबल्स उठाने का रिकॉर्ड बनाने में पाई सफलता। फूटीकोटी रोड पर डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर मौत, लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर किया आग लगाने का प्रयास। प्रशासन ने मारा बर्फ बनाने की यूनिट पर छापा, गंदे पानी व कायुक्त कंटेनर का किया जा रहा था उपयोग, आइसक्रीम पार्लर्स पर भी दी दबिश, लिए सैंपल। विश्व में हर साल 17.3 मिलियन लोग होते हैं हाइपरटेंशन का शिकार, विश्व हाइपरटेंशन डे पर डॉक्टरों से बीमारी से बचने के लिए दी जंक फूड व धूम्रपान से परहेज के साथ ही नियमित व्यायाम की सलाह। और फिर हुआ एटीएम तोड़ने का प्रयास, 3 घंटे तक चोर रहा अंदर, सीसीटीवी में हुआ कैद।